सो हाय दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और आप लोग देख रहे हो शाहिद टेक यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग देख सकते हो मेरी एक स्किन में हॉट वाला स्ट्राइकर है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा स्ट्राइकर है दोस्तों। इस स्ट्राइकर को जो है मैंने खुद डिजाइन किया है, अपनी तरीके से डिजाइन किया है दोस्तों। आप चाहो तो अपनी तरीके से भी आप लोग डिजाइन कर सकते हो स्ट्राइकर को, और इधर अपनी फ़ोटो भी लगा सकते हो। देखिए, मैं आप लोगों को मैं अपना स्ट्राइकर दिखा देता हूँ। यह रहा मेरा स्ट्राइकर, तो इसमें अपना फ़ोटो देख सकते हो कितनी अच्छा लग रहा है ये मेरा फ़ोटो। तो दोस्तों, इसी तरीके से आप लोग जो अपना फ़ोटो के स्ट्राइकर बना सकते हो दोस्तों। फ़ोटो के स्ट्राइकर बनाने के लिए इस वीडियो को आप लोगों को पूरा लास्ट तक देखना पड़ेगा, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा किस तरीके से फ़ोटो स्ट्राइकर बनाना है और किस तरीके से इसको सेट करना है। इसका साइज़ वाइज जो है कम्प्लीटली आप लोग खुद भी बहुत अच्छी तरीके से सेट कर पाओगे अगर इस वीडियो को देख लोगे तो। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। अपनी फ़ोटो का स्ट्राइकर बनाने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ये तीनों एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा। इन तीनों एप्लीकेशन का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहो तो उधर से इंस्टॉल कर सकते हो, नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर से भी इन तीनों एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एपिक एडिटर जो प्रो एप्लीकेशन है इसको ओपन करना है। इधर आप लोगों को मिल जाता है सिलेक्ट एपिक फ्रॉम ऐप, तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप लोग इधर मिलता है कैरम डिस्प्ले एपी के, तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। और हल्का सा इधर आप लोगों को दिखाई देगा सिंपल एडिट एंड रिप्लेसमेंट फाइल, तो इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। और इधर आप लोगों को मिलता है एसेट वाला फोल्डर, तो एसेट वाले फोल्डर के अंदर आप लोगों को जाना है। और इधर मिलता है आपको अनपैक्ड वाला फोल्डर, तो अनपैक्ड वाले फोल्डर के अंदर जाना है। और इधर आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करना है, और इधर आप लोगों को स्ट्राइकर ढूंढनी है, मतलब स्ट्राइकर के ऊपर ही मैं अपना फ़ोटो लगाने वाला हूँ, तो इसलिए आप लोगों को स्ट्राइकर ढूंढना है। तो नीचे स्क्रॉल करके चलिए हम अपना स्ट्राइकर ढूंढ लेते हैं। तो इधर आप लोग देख सकते हो हमें स्ट्राइकर मिल चुका है। तो स्ट्राइकर के इधर आप लोगों को क्या करना है, इधर आप लोगों को तूफान वाला स्ट्राइकर ढूंढना है, तो चलिए हम अपना तूफान वाला स्ट्राइकर ढूंढ लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये रहा तूफान वाला स्ट्राइकर। तो इधर आप लोग तूफान स्ट्राइकर के चार इमेज आप लोगों को दिखेंगे, तो चारों को इधर से सेव करना है। इधर आप लोगों को सेव बटन मिलता है, तो सेव कर लेना है। तो चारों इमेज को आप लोगों को एक एक करके सेव कर लेना है। तो एक खाली फोल्डर में आप लोगों को सेव कर लेना है, तो मैं खाली फोल्डर में सेव कर लेता हूँ। तो चारों को हम सेव कर लेते हैं एक एक करके। तो अभी तीसरा भी सेव हो चुका है, अभी 14 हमने सेव कर लिया है। तो चारों हमने सेव कर लिया है। तो सेव करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इसको मिनिमाइज पर रख देना है। रख देने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अपनी गैलरी ओपन करनी है, और जो इमेज आपने सेव की थी तो उसी इमेज को आप लोग इधर ले लेनी है। इधर आप लोगों को चार इमेज सेव करनी थी, तो चारों इमेज हमारे सेव हो चुका है। तो इधर से आप लोगों को ये पहले वाला इमेज को सिलेक्ट कर लेनी है। तो इस कोने में हम जो पहले वाला इमेज है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसको इधर से जो है डायरेक्ट हम पिक्सल लैब के अंदर ले जाएंगे। सबसे पहले आप लोग इसको टिक कर देना है, तो चलिए इसको टिक कर दिया। और इधर आपको इसको राइट वाले कॉर्नर बटन पर क्लिक करना है, और अभी स्ट्राइकर आ चुका है। आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, 20 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और इधर आप लोगों को मिल जाता है इंपोर्ट का ऑप्शन, तो इंपोर्ट ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। और दोस्तों, फाइनली आप लोग इधर अपनी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेनी है, तो चलिए मैं अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए इसमें से मैं एक अच्छा सा फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपसे सबसे पहले इस वाली बॉक्स पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद इधर आप लोगों को राउंड का ऑप्शन दिखाई दे रही होगी, तो राउंड के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। और इसको जब आपकी फेस की साइज़ में मतलब एडजस्ट कर लेनी है, ऊपर नीचे करके अपनी फेस को लगा लेनी है। तो चलिए मैं अपना फेस लगा लेता हूँ। इधर से लगा लेने के बाद बस आपको इधर राइट वाले कॉर्नर बटन पर क्लिक करनी है, और इधर ये इमेज जो है आ जाएगा आपकी स्क्रीन में। तो इसको अपनी स्ट्राइकर के ऊपर सेट करवानी है, तो इसको हम सेट करवा लेते हैं इस तरीके से कुछ। तो दोस्तों, मैं कुछ इस तरीके से इसको सेट करवा लिया हूँ। और करवा लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इधर स्क्रॉल करना है। तो इसको स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों इधर आप लोगों को मिलता है रिलेटिव पोजीशन, तो रिलेटिव पोजीशन के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर आप लोगों को दो ऑप्शन मिलता है बीच में, तो इन दोनों ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को एक बार क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा कि ये इमेज जो पूरी तरीके से सेंटर में आ जाएगा, बीच में आ जाएगा मतलब। तो बीच में आ जाने के बाद आप लोगों को इधर राइट वाले बटन पर क्लिक करना है, इधर आप लोगों को मिलता है एक बॉक्स की बटन, तो बॉक्स की बटन के ऊपर क्लिक करके इसको जो है लॉक कर देनी है इधर से। तो आप लोग देख रहे हो इसको लॉक कर दिया हमने, इससे क्या होगा ये इमेज जो इधर उधर नहीं हिलेगा। आप अगर इसको अगर सिलेक्ट मतलब टच करोगे तो इसको इधर उधर नहीं हिला पाओगे। तो अभी स्ट्राइकर हमारा बन चुका है। बनने के बाद आप लोगों को क्या करना है, बस इसको इधर से सेव कर लेनी है। तो चलिए आप लोग इसको इधर से सेव कर लेते हैं, तो चलिए इसको हम सेव करेंगे। तो आप लोग इधर कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोग इधर सेव टू गैलरी कर देनी है। अभी गैलरी को सेव हो चुका है,
तेज सेव होने के बाद आप लोग क्या करना है, इसको मिनिमाइज से हटा देनी है। मिनिमाइज से हटाने के बाद फिर से आप लोगों को गैलरी ओपन करना है। तो हमने ये वाला इमेज से पहले सिलेक्ट कर लिया था, ये अभी ख़त्म हो चुका था, अभी काम आती है इसकी। तो इसको आप लोगों को ओपन करना है, तो इसको आप लोगों को शेयर करके जो है पिक्सल लैब के अंदर ओपन कर लेनी है। तो ओपन करना फिर से वही काम लोगों को करना है, इधर टिक करना है और इधर आप लोगों को इसको बॉक्स पे नहीं, आप लोगों को इधर राइट वाली कॉर्नर बटन पे क्लिक करना है। तो राइट वाले क्लिक कर दिया हमने। क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, बीस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग इधर इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग इधर मिलता है, आप लोगों को इधर मिल जाता है रिसेंट का बटन। तो रिसेंट वाले बटन पे क्लिक करना है और क्लिक करने बाद जो हमने रिसेंटली इमेज सेव किया था, आप लोग ये इमेज देख सकते हो, तो इसको आप लोगों को सिलेक्ट कर लेनी है। अगर इसको राइट वाले बटन पे क्लिक करना है और ये इमेज जो है अभी आ चुकी है हमारे स्क्रीन में। तो आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, इधर नीचे स्क्रॉल करना है इसको। चलिए इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को मिलता है इधर रिलेटिव साइज़। तो रिलेटिव साइज़ के ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है और इसको जो पूरी तरीके से 100 करवा देनी है। 100 करने के बाद इधर राइट बटन पे क्लिक करना है। राइट बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर आप लोगों को ध्यान रखना है, रिलेटिव पोजीशन के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर देना है एक बार। और फिर इससे आप लोग वही काम करना है, बीच वाले ऑप्शन दोनों पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, स्ट्राइकर अभी बीच में पहुँच जाएगा। पहुँच जाने के बाद आप लोगों को इस राइट बटन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों इस इमेज को इधर से सेव कर लेनी है, कुछ भी नहीं करना। और इस इमेज को आप लोग इधर से सेव कर लेनी है। इधर आप लोग सिंपल सा सेव टू गैलरी कर देनी है। फिर से आप लोग को इसको सेव होने के बाद इसको हटा देनी है और अपनी गैलरी ओपन कर लेनी है। तो ये दोनों अभी हमारा सेव हो चुका है। तो अभी बारी आती है इसकी, तो इसको आप लोगों को फिर से ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसको जो है फिर से आप लोग पिक्सल लैब के अंदर ओपन कर लेनी है। याद रखना है सारो स्ट्राइकर को ही ऐसे ही करना है। तो अभी ये हो चुका है, होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, राइट वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने फिर से आप लोगों को वैसे बीस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके वही वाला इमेज आप लोग दूसरी बार, इधर से दो इमेज आ चुका है। तो इधर से आप लोग कोई भी एक इमेज लगा लेना। तो इधर से मैं ये वाला इमेज लगा लेता हूँ। तो फिर से आप लोग वही करना है, करने के बाद इसको जो है अपनी मैनुअल तरीके से इसको सेट करवानी है। अभी तो अपने हाथ से ही इसको पूरी तरीके से सेट करवानी है, मतलब नीचे वाले जो नीचे वाला स्ट्राइकर है उससे थोड़ा सा बड़ा आप लोग को इसको रखना है दोस्तों। अभी थोड़ा सा इसको इसके साइज़ में हम बड़ा रख देते हैं। बड़ा रखने के बाद आप लोग कैसे पता चलेगा थोड़ा बड़ा हुआ है या नहीं, तो इसको आप लोग इधर से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को मिलता है रिलेटिव पोजीशन। तो रिलेटिव पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है। फिर से आप लोग दोनों बीच वाले बटन पर क्लिक करना है और राइट कर देनी है। राइट करने के बाद आप लोग इधर मिलता है अपोसिटी। तो अपोसिटी आप लोग को क्लिक करना है, इसको खड़ा बटा के देख लेना है। आप लोग जीरो करके देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के आप लोग देख सकते हो क्योंकि ये स्ट्राइकर जो थोड़ा सा बड़ा हो गया है। होने के बाद आप लोग क्या करना है, बस आप लोग इधर बॉक्स पे क्लिक करना है, इसको लॉक कर देनी है। लॉक करने में इधर से इधर आप लोग किसी भी एक जगह पे टैप करनी है। टैप करने के बाद आप लोग इधर इसको जो सेव कर लेनी है। तो चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं, तो चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं। डायरेक्ट आप लोग को सेव टू गैलरी कर दे। तो फिर से आप लोग को वैसे ही करना है, इसको रिसेंट से हटा देनी है। इधर आपको गैलरी ओपन करना है। गैलरी ओपन करने में क्या होता है, ये अपना सिलेक्ट हो चुका है, ये भी हमारा हो चुका है, ये भी हमारा हो चुका है। अब बारी आती है इस स्ट्राइकर की। तो इस स्ट्राइकर का आप लोगों को इधर से इंपोर्ट कर लेनी है पिक्सल लैब के अंदर। इंपोर्ट करने के बाद इसको टिक कर देना है इसे। तो चलिए इसको टिक कर देते हैं फटाफट से, ये भी हम वैसे ही कर लेते हैं। तो इंपोर्ट इमेज में आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग इधर से कोई भी एक इमेज सिलेक्ट कर लेनी है। तो कोई सी भी, मतलब ये स्ट्राइकर में आप लोग जो भी फोटो सेव किए हो उसी वाली स्ट्राइकर फोटो को जो है सिलेक्ट कर लेनी है। इसको भी आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा इसके इस साइज के थोड़ा सा बड़ा आप लोगों को लगाना है, मतलब जो नीचे है नीचे की साइज से थोड़ा सा बड़ा आप लोग इसको रखना है। रखने के बाद इधर आप लोग को स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आप लोगों को मिलता है रिलेटिव पोजीशन। तो रिलेटिव पोजीशन के अंदर क्लिक करने के बाद दोनों, वैसे आप इन दोनों को क्लिक कर देना। तो इन दोनों को क्लिक करने से क्या होगा, स्ट्राइकर अपनी जगह पे बैठ जाएगा। इसके बाद आप लोगों को राइट वाले बटन पे क्लिक करना है, इधर बॉक्स पे क्लिक करके इसको जो लॉक कर देनी है। तो वही काम आप लोगों को करना है। अभी करने के बाद इसको जो इधर से सेव कर लेनी है। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं। आप लोग सेव बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग दोस्तों इसको हटा देनी है रिसेंट से। इसको भी हटा देनी है, यार हटा दो या कोई बात नहीं। अभी बात आती है इस एपीके एडिटर प्रो को आप लोगों को ओपन करनी है। ओपन करने के बाद आप लोगों को स्ट्राइकर ढूंढना है।
ब्लेज वाला स्ट्राइकर ढूंढना है या आप किसी भी स्ट्राइकर के अंदर वो वाला स्ट्राइकर डालना चाहते हो तो उसी को आप लोग को ढूंढ लेनी है। तो चलिए मैं इधर अपना स्ट्राइकर ढूंढ लेता हूँ। आप लोग देख सकते हो ये रहा ब्लेज वाला स्ट्राइकर, तो ब्लेज स्ट्राइकर के अंदर हम डालेंगे। तो ब्लेज स्ट्राइकर के अंदर डालने के लिए आपसे सबसे पहले मिलता है पेन आइकन। तो पेन आइकन पर क्लिक करने के बाद आप लोग इधर मिलेगा पिक्सल लेफ्ट फोल्डर। तो आप लोग देख सकते हो पिक्सल लेफ्ट फोल्डर। तो पिक्सल लेफ्ट फोल्डर के अंदर आपका जो चार इमेज आपने सेव किया था एडिट करके, तो सारों इमेज आप लोगों को दिख जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को ऊपर वाला इमेज सिलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद नीचे वाले इमेज को भी आप लोगों को नीचे मतलब टू एंड स्टाइल मतलब ऊपर वाला ऊपर के साथ रिप्लेस कर दिया, नीचे वाला आप लोग को नीचे मतलब दो नंबर के साथ रिप्लेस कर देनी है। ये दोनों भी रिप्लेस हो चुकी है। होने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा नीचे जाना है, थोड़ा सा और नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोगों को मिलेगा दो और ब्लेज स्ट्राइकर। तो ये भी आप लोग देख सकते हो ब्लेज वाला स्ट्राइकर है। तो इसको भी आप लोग इधर से पेन आइकन पे क्लिक करने के बाद ये जो आप लोगों को तीसरा वाला फ़ोटो दिखाई दे रही होगी, तीसरा वाली फ़ोटो को आप लोग सिलेक्ट कर लेनी है। और जो अभी ये वाला है तो इसको भी आप लोगों को पेन आइकन पर क्लिक करने के बाद जो 14 इमेज है आपके पास तो उसके साथ आप लोग इसको रिप्लेस कर देनी है। तो अभी इधर इधर दो इमेज आप लोगों का हो चुके हैं और ऊपर में दो इमेज आपका हो चुका है। तो ये भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को नीचे मिलता है सेव बटन, तो सेव बटन के ऊपर आप लोग क्लिक कर देनी है। इधर आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, 2 से 1 मिनट तक आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। कुछ देर बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले रिमूव वाले बटन पर क्लिक करना है और इस एपीके को ओके कर देनी है। इधर से ओके करने के बाद बीच में आप लोगों को इंस्टॉल बटन मिलता है, तो इस एपीके को इधर से इंस्टॉल कर लेनी है। मतलब जो कैरमपुल एपीके होगा अपने स्ट्राइकर के साथ जो है सेव किया है, तो यही एपीके आप लोग ने सेव किया था। दोस्तों यह भी इंस्टॉल हो रहा है, तो चलिए इसको इंस्टॉल होने देते हैं और मैं आप लोगों को दिखा दूंगा स्ट्राइकर कैसी दिख रही है। दोस्तों अभी एपीके जो पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है, तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। इधर से ये देख सकते हो एपीके अभी इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, आप लोग इधर दिखा देता हूँ स्ट्राइकर पूरी तरीके से सेट हुआ कि नहीं। तो मैं अपने ब्लेज स्ट्राइकर के साथ मतलब उसको रिप्लेस किया था, तो आप लोग देख सकते हो ब्लेज स्ट्राइकर के साथ वो जो है रिप्लेस हो चुकी है। तो ये फोटो स्ट्राइकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इसके साथ ही गेम प्ले करते हैं, तो चलिए देखते हैं। और दोस्तों इधर बहुत लोग बोलते हैं अपडेटिंग के बाद जो है सारा कुछ जो उसका रिसेट हो जाता है, मेरी अभी देख सकते हो आप लोग अपडेटिंग आया था, तो मैं आप लोग को फिर से दिखा देता हूँ। तो स्ट्राइकर अभी तक चेंज नहीं हुआ। दोस्तों मेरा चेंज नहीं होता है अपडेटिंग के बाद, पता नहीं आप लोग का क्यों नहीं होता है चेंज हो जाता है। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं यार मेरा जो अपडेटिंग के बाद चेंज हो जाता है एपीके स्ट्राइकर वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है, तो मेरा यार दोस्तों यार नहीं चेंज होता है, पता नहीं मेरे साथ क्यों चेंज नहीं होता है। और दोस्तों इसी का मैं सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, अभी तक मुझे मिल नहीं रहा। अगर मिल जाता तो मैं तुरंत वीडियो बना लूँगा। तब लोग देख लो ये स्ट्राइकर जो है बहुत ही अच्छा स्ट्राइकर है, हमारे हिसाब से यार बहुत ही अच्छा स्ट्राइकर है। दोस्तों ये स्ट्राइकर बनाने की ट्रिक आप लोग कैसी लगी यार कमेंट पर ज़रूर बताना यार। आप लोग कमेंट नहीं कर तो यार कमेंट करोगे तो मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा दोस्तों आपके लिए, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो यार, इस वीडियो के बाद एक सब्सक्राइब तो बनता है यार, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और अभी तक एक कमेंट नहीं किया तो जल्दी से कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दो यार, क्या कर रहे हो। अपनी भाई का चैनल है, कमेंट लाइक सब्सक्राइब सब कुछ तो बनता है यार, ये सब फ्री होता है। जल्दी से जल्दी जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो।